गाजियाबाद में गिरी केबल ऑपरेटर पर पुलिस प्रशासन व कंपनियों की काज। लोनी के आर्य नगर से ऑपरेट किए जा रहे थे फर्जी चैनल। केबल ऑपरेटर के संचालक पर पहले भी धोखाधड़ी व मारपीट के कई मामले हैं दर्ज। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने फर्जी चैनल चलाने वाले केबल ऑपरेटर पर छापामारी कर किया धारा 420 में मुकदमा पंजीकृत। खबर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के आर्य नगर की है, जहां एक टीवी के फील्ड ऑफिसर जुगनू चिकारा एवं थाना लोनी बॉर्डर पुलिस की सहायता से आर्य नगर में केबल ऑपरेटर नाजिम खान एवं नज़ाकत अली के यहां छापामारी की गई है। आपको बता दें कि छापामारी में ऑपरेटिंग सेंटर में कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जिनसे चैनलों का पायरेसी की जाती है। यही नहीं, फील्ड ऑफिसर जुगनू चिकारा द्वारा बताया गया कि ये खेल लगभग पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, जिसकी शिकायत लगातार कंपनी कर रही थी, मगर कंपनी के लोगों को कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते आज एक टीवी के कर्मचारी एवं पुलिस द्वारा छापामारी की गई है। सख्त फैक्ट्री पकड़ी गई है आज। कितने लोग पकड़े गए हैं, कहाँ पे ये फैक्ट्री पकड़ी और कितने समय से ये फैक्ट्री का चल रहा था? देखिए, जनपद डेटा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थाना कोतवाली देहात और एंटी व्हीकल थेफ्ट हमारी जो टीम है, इनके संयुक्त प्रयास में काली नदी के किनारे तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 21 तमंचे और ढेर सारे तमंचा बनाने के उपकरण बरामद हुआ है। और ये शातिर अपराधी हैं, इसके ऊपर 10 मुकदमे हैं, अर्जुन नाम है इसका। इसका एक और ने साथी विजय, जो कि फरार हो गया अंधेरे का लाभ लेकर के, उस पर तो सारे मुकदमे ही फैक्ट्री के हैं। वो बहुत ही शातिर अपराधी है, उसको भी शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे और इन दोनों के विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। ये जनपद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी टीम को अपनी तरफ से मैं 25,000 रुपये का नगद इनाम भी देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि निश्चित तौर पे ये संभावना अवश्य है कि कहीं न कहीं इसका प्रयोग चुनाव में करते, क्राइम में बदमाश करते ही करते हैं, लेकिन हम इतने जागरूक और संवेदनशील हैं। हमारे जनपद में अभी चुनाव के दौरान ये तीसरी शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, इनको नेस्तनाबूद करके हम छोड़ेंगे। ये तो अभी बना रहे थे, एक आध जगह ही सप्लाई किए हैं, वो नाम आ गए हैं, उनको भी हम शीघ्र पकड़ेंगे। अभी 6 से लेकर 7,000 के बीच में इन्होंने बताया है कि हम लोग इसको सप्लाई करने का प्लानिंग किए थे और एक आध सप्लाई किए हैं, तो उनको भी हम ठीक शीघ्र ही बरामद करें। ये सस फैक्ट्री के खिलाफ अभियान के आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जारी रहेगा। जनपद हमारा इसके लिए बदनाम है और इस जनपद पर अब आगे कलंक लगने नहीं दिया जाएगा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।